वेलकम टू बिंगलो टू। आशा करता हूँ घर में सभी अच्छे। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग ऐसे बाइक के बारे में बात करें जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और जिसका रियल रिव्यू हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी इस बाइक में कुछ कुछ कमियां था, कंपनी को उस सारे कमियों को ध्यान में रखते हुए एक नया वेरियंट इंट्रोड्यूस किया है। आज हम लोग बात करेंगे जावा 42 बॉबर के न्यू वेरियंट जो कंपनी ने मिरर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। बाइक काफी ज्यादा स्टाइलिश है और ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में ये बाइक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किया है इस पर्टिकुलर बाइक। बात कर रहे थे इंजन का, इंजन में आपको वही सेम 334 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 30.64 पीएस एंड मैक्सिमम टॉर्क 32.74 एनएम विद 6 स्पीड गियरबॉक्स। अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनो शॉक अब्सॉर्बर विद 7 स्टेप पिलोट एडजस्टमेंट। चलिए बाइक का ओवरऑल लुक्स देख लेते हैं। फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील्स यूज किया गया है और टायर प्रोफाइल है 100x90 R 18 inches। अगर हम फ्रंट व्हील कवर की बात करें, आपको इस बाइक में मेटल में फ्रंट व्हील कवर प्रोवाइड किया गया है और रियर में आपको 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स यूज किया गया है। टायर प्रोफाइल है 140x70 17 inches। 140 के थिक टायर होने के कारण रियर में काफी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इस बाइक का हेडलैम्प देखें, हेडलैम्प में आपको कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, आपको वही सेम LED हेडलैम्प मिल जाएगा और सेंटर में आपको 42 का बैचिंग 3D में जो काफी स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग हैंडल बार की बात करें, इस बाइक में आपको वही सेम सिंगल रॉड हैंडल बार मिल जाएगा विथ बार एंड मिरर्स जो काफी स्टाइलिश और बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है और कंट्रोल स्विच क्वालिटी वही सेम पैटर्न में प्रोवाइड किया गया जो काफी डिसेंट क्वालिटी का है। अगर हम लोग इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें, आपको इस बाइक में वही सेम राउंड शेप में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा विथ ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन ये रहा आपके स्क्रीन का। अगर हम लोग इस बाइक में फ्यूल टैंक की बात करें, आपको इस बाइक में 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा जो आपको डिसेंट रेंज प्रोवाइड कर देगा। मेन जो चेंजेस है वो आपका फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स में प्रोवाइड किया गया। आपको इस बाइक में अभी ये टॉप मॉडल मिरर मतलब कि क्रोम फिनिश में प्रोवाइड किया गया, क्रोम एंड ब्लैक फिनिश में, जो काफी बेहतरीन और बहुत ही स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है। और फ्यूल टैंक के ऊपर आपको जावा का स्टिकरिंग मिल जाएगा, पर यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के साथ साथ 3D में जावा का बैजिंग प्रोवाइड करना चाहिए था, उससे बाइक का लुक और भी ज्यादा इन्हांस हो जाता। और फ्यूल टैंक के सेंटर में आपको फ्यूल लेड प्रोवाइड किया गया है। अगर हम लोग सीटिंग कंफर्ट की बात करें, क्योंकि ये बॉबर सेगमेंट में बाइक आता है इसीलिए आपको इस बाइक में सिंगल सीट प्रोवाइड किया गया है जो काफी डिसेंट और काफी बेहतरीन कंफर्ट राइड प्रोवाइड करेगा जिससे आप इजीली लॉन्ग राइड कर सकते हो। और सीट के नीचे आपको बॉडी पैनल में बॉबर का स्टिकरिंग मिल जाएगा जो काफी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इस बाइक में एग्जॉस्ट की बात करें, एग्जॉस्ट आपको वही सेम डिजाइन में पाइप जैसा डिजाइन प्रोवाइड किया गया है विथ अ सिल्वर फिनिश एट द एंड जो काफी स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है जो पर्सनली मुझे काफी पसंद है। और रियर में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किया गया है विथ मेटल व्हील कवर और पीछे आपको राउंड शेप में LED हेडलाइट मिल जाएगा और LED टर्न इंडिकेटर। हेडलाइट के नीचे आपको नंबर प्लेट का जगह प्रोवाइड किया गया। अगर हम बाइक की ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करें, बाइक की डायमेंशन और डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया गया। आपको जो मेजर चेंज मिलेगा वो बाइक की स्टाइलिंग और ग्राफिक्स में मिलेगा। आपको इस बाइक में अभी ये पर्टिकुलर क्रोम फिनिश मतलब कि जो कंपनी मिरर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ ये ब्लैक कॉम्बिनेशन काफी बेहतरीन और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है जो मेरे हिसाब से आप इजीली कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज, 42 बॉबर में आपको सिर्फ एक ही कमियां मिलता था, स्पोक भी प्रोवाइड किया गया था। तो कंपनी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए काफी बेहतरीन और न्यू स्टाइल में व्हील्स प्रोवाइड किया है जो इस बाइक के लुक को और भी ज्यादा इनहांस कर देता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप सिंगल राइड करना पसंद करते हो और आपको बॉबर बाइक बहुत ज्यादा पसंद है तो आप ये बाइक जरूर कंसिडर कर सकते हो। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स टू जावा शोरूम टीटागढ़ फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक।
मैं शोरूम की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आपको अगर जावा की और ईएसडी की कोई प्रोडक्ट की जरूरत हो आप वहां से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब बेंगाल ऑटो। थैंक यू सो मच।